हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर वेवगाइड में अटेन्यूएशन पैरामीटर्स की। प्रीवियस क्लासेस में हमने बात की थी कि किसी भी वेवगाइड में अटेन्यूएशन तीन कॉजेज के कारण मेनली जनरेट होता है, जिसमें मेन हमने तीन फैक्टर्स डिस्कस किए थे। पहला हमने किया था अटेन्यूएशन ड्यू टू दी कट ऑफ फिनोमेना, जिसमें हमने कंसिडर किया था कि जब वेवगाइड की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से कम होती है, उस केस में हमने अटेन्यूएशन पैरामीटर फाइंड आउट किया था। सेकेंड पैरामीटर डिस्कस किया गया था अटेन्यूएशन ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, एंड थर्ड वन वाज द अटेन्यूएशन ड्यू टू द कंडक्टर लॉसेस, कि जब वेवगाइड जिस मटेरियल का बना होता है, जब उसको हम परफेक्टली कंडक्टर कंसिडर नहीं करते हैं, तो उस केस में जो माइक्रोवेव वेवगाइड में से प्रपोगेट हो रही है, उस वेव में जो अटेन्यूएशन होता है उसको हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कंडक्टर अटेन्यूएशन इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड इन टीएम मोड, इस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। सो बेसिकली रेक्टेंगुलर वेवगाइड के टीएम मोड के लिए हमने फील्ड इक्वेशंस ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिराइव कर चुके हैं। सो बेसिकली हम ये जानते हैं कि टीएम मोड के लिए एच जेड की वैल्यू जीरो होती है। सो रिमेनिंग फाइव कंपोनेंट्स वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। सो EX, EY, HX और HY, इन चारों की वैल्यू हम EZ की वैल्यू को यूज में करते हुए फाइंड आउट करते हैं। सो डायरेक्टली हम यहाँ पे उन फॉर्मूले को यूज में ले रहे हैं। सो EZ की वैल्यू होती है C sin BX sin of AY। सो इस पैरामीटर को, इट मींस Z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इस इक्वेशन को यूज में लेते हुए हम HX और HY की वैल्यू को हम यहां पर डिराइव करेंगे। सो बेसिकली अभी क्योंकि हम कंडक्टर अटेन्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर अटेन्यूएशन में हमने बात की थी पावर लॉस की, साथ ही हमने किया था पावर ट्रांसमिटेड थ्रू दी वेवगाइड, और इन दोनों फॉर्मूलेस को यूज में लेते हुए हमने फाइनली अल्फा सी फाइंड आउट किया था, और उस अल्फा सी की वैल्यू आई थी पीएल अपॉन 2PT। देखिए यहां से हम देख सकते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने सबसे पहले तो पीएल फाइंड आउट किया था, पीटी फाइंड आउट किया था, पावर ट्रांसमिटेड, पावर लॉस हमने निकाला था, और इन दोनों का रेशियो दैट इज अ पीएल अपॉन पीटी व्हिच वाज गिवन बाय द ट्वाइस ऑफ द अल्फा सी। सो इस फॉर्मूले को हम यूज में लेंगे। पीएल और पीटी की वैल्यू हम ऑलरेडी यहां पे निकाल चुके हैं। सो देखिए, दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर द पीएल, दैट इज द पावर लॉस, एंड दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर द पावर ट्रांसमिटेड। सो इन इक्वेशन के द्वारा हम फाइनली यहाँ पे अटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट दैट इज ड्यू टू दी कंडक्टर लॉसेज यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज द पीएल अपॉन 2PT, हम यहाँ पे अब रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए टीएम मोड में हम उसको फाइंड आउट करेंगे। सो क्योंकि अब हम यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, सो बेसिकली हमें यहाँ पे HX और HY की वैल्यू चाहिए। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे EZ की वैल्यू को जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें HX के लिए इक्वेशन मिलेगी। सिमिलरली जब हम EZ की वैल्यू को HY के लिए इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें HY कंपोनेंट मिलेगा। सो क्योंकि हम कंडक्टर अटेन्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो टारगेट होगा वो पावर लॉस और पावर ट्रांसमिटेड का फाइंड आउट करना होगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं पावर लॉस। सो द पावर लॉस पर यूनिट लेंथ इन द लोअर एंड अपर वॉल्स ऑफ द वेवगाइड। देखिए वेवगाइड की जो लोअर वॉल होती है और जो अपर वॉल होती है, उस वेवगाइड के लिए हम जैसे हमने देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं पावर लॉस पर यूनिट लेंथ, हम वन बाय वन यहाँ पे पावर लॉसेस निकालेंगे लोअर और अपर वॉल के लिए। जैसे डायग्राम में जैसे आप पॉइंट आउट कर रही हूँ जिस पॉइंटर से, जिस डायरेक्शन में, सो दिस इज द लोअर वॉल एंड दिस इज द अपर वॉल। सो एक बार हम फाइंड आउट करेंगे पावर लॉस लोअर और अपर वॉल के लिए, और दूसरे केस में हम पावर लॉसेस फाइंड आउट करेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइडेड वॉल के लिए। ये हमारा जेड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, दिस इज द एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द वाई डायरेक्शन। तो सबसे पहले अभी हम बात कर रहे हैं पावर लॉस पर यूनिट लेंथ इन द लोअर एंड अपर वॉल ऑफ द वेवगाइड। अब हम जानते हैं कि जब हम लोअर वॉल और अपर वॉल की बात कर रहे हैं तो उस केस में डायरेक्शन कौन सा होगा, दैट इज द एक्स डायरेक्शन होगा। ये जो हमारा ब्रेथ है ये कौन से डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। सो इस प्रकार से अगर हमें यहाँ पे टोटल कंपोनेंट बताना होगा तो वो क्या हो जाएगा, एच एक्स स्क्वायर प्लस एच वाई स्क्वायर। बट क्योंकि इस केस में जो नॉर्मल कंपोनेंट है दैट इज द एच वाई,
यहाँ पे एच वाई की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि हम यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट लेकर चल रहे हैं। तो अगर हम ब्रैच डायरेक्शन में बात कर रहे हैं विच इज इन द एक्स डायरेक्शन, तो उस केस में यहाँ पर इसका नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एच विल बी जीरो। सो उस केस में एच टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एच एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने जब यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ जानते हैं हम ब्रैच के अलॉन्ग बात कर रहे हैं एंड दैट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा उस डायरेक्शन में एच एक्स कंपोनेंट होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एच वाई कंपोनेंट होगा और नॉर्मल कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एच वाई के जीरो लिया तो एच टी मॉड ऑफ स्क्वायर की वैल्यू होगी एच एक्स स्क्वायर के इक्वल। सो देखिए हमारा पावर लॉस, अभी हमने यहाँ पे पी एल वन लिखा है क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लोअर और अपर वॉल के लिए। सो उस केस में अब हमने देखा दैट पी एल वन इज इक्वल टू द ट्वाइस इंटू दी वन अपॉन टू आर एस इंटू दी सर्फेस इंटीग्रल ओवर एस वन एच टी स्क्वायर डी एस वन। अब यहाँ पे हमने क्योंकि लोअर और अपर वॉल के लिए कर रहे हैं उस केस में एच टी स्क्वायर की वैल्यू आई है एच एक्स स्क्वायर के इक्वल। सो हमने यहाँ पे लिखा टू से टू कैंसिल हो गया, सो दैट विल बी इक्वल टू दी आर एस सर्फेस इंटीग्रल ओवर जीरो टू दी ए। यहाँ पे हमने टू से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि हम यहाँ पे लोअर और अपर वॉल दोनों टाइप की बात कर रहे हैं इसलिए। उसके बाद में जब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में हम यहाँ देखते हैं दैट इज द आर एस सर्फेस इंटीग्रल ओवर दी जीरो टू दी ए मॉड ऑफ एच एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्योंकि सर्फेस इंटीग्रल की बात कर रहे हैं और हम ये जानते हैं कि जब हम लोअर वॉल की बात कर रहे हैं तो लोअर वॉल के लिए वाई की वैल्यू क्या है जीरो, और यहाँ पे जो अपर वॉल है और इस अपर वॉल के लिए वाई की वैल्यू होती है बी। तो अपर वॉल के लिए y की वैल्यू b है, लोअर वॉल के लिए y की वैल्यू जीरो है। तो जब हमने यहाँ पे उस कंडीशन को यूज में लिया तो हमारे पास में ये एक इंटीग्रल रिलेशन आता है। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लोअर वॉल के लिए निकाला तो हमारे पास में एच एक्स, जब हमने y की वैल्यू को जीरो पुट किया तो उस केस में क्योंकि हमारे पास में हम ऊपर अभी ऑलरेडी एच एक्स कंपोनेंट की वैल्यू को ले चुके हैं, सो दिस इज द एक्स वैल्यू। यहाँ पे जब हम y की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो cos जीरो की वैल्यू वन होगी। इन दैट केस मॉड ऑफ एच एक्स दैट y इज इक्वल टू द जीरो विल बी जी ओमेगा एप्सिलॉन सी ए अपॉन एच स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स। और जब हम अपर वॉल की बात करते हैं तो अपर वॉल के लिए y की वैल्यू b के इक्वल होगी। इन दैट केस एच एक्स एट y इज इक्वल टू द b विल बी द माइनस ऑफ जी ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन एच स्क्वायर सी ए साइन ऑफ बी एक्स। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एच एक्स की वैल्यू को लोअर और अपर वॉल पे फाइंड आउट किया। और जब हमने इसको लोअर और अपर वॉल पे फाइंड आउट किया तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे इसका जब हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास में पी एल वन के लिए एक एक्सप्रेशन आता है दैट इज द आर एस जी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच की पावर फोर। जब हम यहाँ पे इनको दोनों को वन बाय वन जब हम पुट करके मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में हमें इंटीग्रल के लिए एक रिलेशन मिलता है दैट इज द फ्रॉम जीरो टू द ए साइन स्क्वायर ऑफ बी एक्स इंटू द डी एक्स। जब हमने यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है a अपॉन टू। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे पावर लॉसेस निकाल लिए थे अभी अपर और लोअर वॉल के लिए। इसी प्रकार से अब हम आगे फाइंड आउट कर रहे हैं पावर लॉस पर यूनिट लेंथ इन द साइड, दिस इज द साइड वॉल्स दैट इज द लेफ्ट साइड वॉल एंड द राइट साइड वॉल। उनके लिए एच टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी एच एक्स स्क्वायर प्लस एच वाई स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे टीएम मोड की बात कर रहे हैं तो टीएम मोड में एच जेड की वैल्यू जीरो होती है। सो रिमेनिंग कंपोनेंट विल बी द एच एक्स स्क्वायर प्लस एच वाई स्क्वायर। अब और उस केस के अंदर नॉर्मल कंपोनेंट की वैल्यू जीरो है। सो उस केस में अभी हम क्योंकि अब हम यहाँ पे राइट और लेफ्ट साइड वॉल की बात कर रहे हैं तो इनके लिए नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा एच एक्स। सो टेंजेंशियल कंपोनेंट तो होगा एच वाई, टेंजेंशियल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा बट लेकिन जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू जीरो होगी। सो यहाँ पे एच एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो उस केस में एच टी स्क्वायर की वैल्यू विल बी इक्वल टू द मॉड ऑफ एच वाई स्क्वायर। सो पी एल टू की वैल्यू होगी ट्वाइस इंटू द आर एस अपॉन टू सरफेस इंटीग्रल। अब हमने यहाँ पे एस टू से डिनोट किया है क्योंकि अब हम यहाँ पे साइड वॉल्स की बात कर रहे हैं और इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई द मॉड ऑफ एच टी स्क्वायर डी एस टू। अब हमारे पास में यहाँ पर हम देख सकते हैं एच टी स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिमिट्स ली है, लिमिट्स जो हमने ली है वो एक्स के लिए ली है क्योंकि हम यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम इन साइड वॉल्स की बात कर रहे हैं जहां पर मैं पॉइंटर से पॉइंट आउट कर रही हूँ जिन साइड वॉल्स की हम बात कर रहे हैं तो इस लेफ्ट साइडेड वॉल के लिए एक्स की वैल्यू जीरो है और इस राइट साइडेड वॉल के लिए एक्स की वैल्यू ए के इक्वल है। सो जब हमने इन दोनों कंडीशन को यहाँ पे यूज में लिया है तो उस केस में हमें यहाँ पे एच वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक बार हमने एच वाई की वैल्यू को फाइंड आउट किया एक्स इज इक्वल टू दी जीरो पे,
यूजिंग द प्रीवियसली यूज इक्वेशन, और हमने एच वाई की वैल्यू को फाइंड आउट किया एट एक्स इज इक्वल टू दी ए पे। इस प्रकार से जब हमारे पास में ये दोनों इक्वेशन आई, हम यहाँ पे इसका प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो जब हमने इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो हमारे पास में पी एल टू की वैल्यू आती है एंड दैट इज इक्वल टू दी आर एस इंटीग्रल ओवर जे बी जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच रेज टू दी पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ ए वाई इंटू दी डी वाई। जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है बी अपॉन 2 के इक्वल। सो जब हमने इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास में, अब क्योंकि हमारे पास में लोअर और अपर वॉल अलॉन्ग विद द साइड वॉल्स के लिए हमारे पास में पावर लॉस आ चुका है, तो यहाँ पे हम टोटल पावर लॉस पर यूनिट लेंथ निकालेंगे एंड दैट विल बी गिवन फॉर द सम ऑफ द पीएल वन एंड पीएल टू। सो पीएल इज इक्वल टू दी है पीएल वन प्लस पीएल टू। सो यहाँ से हमने पीएल टू और प्रीवियसली इक्वेशन से जब हमने पीएल वन की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास में एक रिलेशन आएगा दैट इज द आर एस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन टू एच रेज टू द पावर 4 इंटू दी ए स्क्वायर ए प्लस कैपिटल बी स्क्वायर बी। हमने जब फील्ड इक्वेशंस को इवेल्युएट किया था तो उस केस में हमने कंसिडर किया था दैट ए इज इक्वल टू द एन पाई अपॉन बी एंड बी इज इक्वल टू द एम पाई अपॉन ए। सो यहाँ पे हमने उनके वैल्यू को यूज में लिया। सो हमने ए की जगह रखा है एन पाई अपॉन बी और बी की जगह रखा है एम पाई अपॉन ए। सो जब हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में फॉर्मूले को यूज किया तो हमारे पास में एक फाइनल एक्सप्रेशन आता है फॉर द टोटल पावर लॉस पर यूनिट लेंथ। आगे हम फाइंड आउट कर रहे हैं पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द वेव गाइड। सो पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द वेव गाइड के लिए फॉर्मूला दिया जाता है पी टी। सो यहाँ पे हमने पावर ट्रांसमिटेड के लिए फॉर्मूला यूज में लिया है। सो पी टी विल बी इज इक्वल टू दी 1/2 आर ई सरफेस इंटीग्रल ओवर ई क्रॉस ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दी एच कंपोनेंट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दी डी हम डी एस ऑलरेडी हम इसको इस फॉर्मेट में ऑलरेडी हमने इसको इस फॉर्मेट में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। सो डायरेक्टली जब हम इसको पीटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच के फॉर्म में देन इट विल बी गिवन इन द टर्म्स ऑफ द इम्पीडेंस दैट इज इक्वल टू दी 1/2 जेड टी एम इंटीग्रल ओवर सर्फेस एच टी स्क्वायर डी एस। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्लोज सर्फेस की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्लोज सर्फेस के अलॉन्ग हम इंटीग्रेशन देख रहे हैं। तो उस केस में देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा एच एक्स स्क्वायर प्लस एच वाई स्क्वायर डी एक्स इंटू दी डी वाई और लिमिट होगी एक्स के लिए लिमिट होती है 0 से लेकर ए तक और वाई की लिमिट है 0 से लेकर के बी तक। सो इस प्रकार से जब हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने एच एक्स स्क्वायर और एच वाई स्क्वायर कॉम्पोनेंट की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया है और जब हमने इसको यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है लाइक जेड टी एम अपॉन टू जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच रेज़ टू दी पावर 4 की टर्म को हमने बाहर लिख लिया, ए स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है हमने उसको बाहर लिया, एक्स की टर्म का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, वाई की टर्म का वाई के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन किया, सिमिलरली इस टर्म को भी हमने यहाँ पे इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है। जब हमने यहाँ पर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट किया तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली हमने उसको इवेल्युएट करा है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी ए अपॉन टू, दिस विल बी इज इक्वल टू दी बी अपॉन टू, दिस इज इक्वल टू दी ए अपॉन टू एंड दिस विल बी इज इक्वल टू दी बी अपॉन टू। सो जब हमने इसको फाइनली जब हमने कॉमन लिया ए बी अपॉन 4 को बाहर तो उस केस में हमारे पास में पीटी के लिए एक इक्वेशन आती है दैट इज इक्वल टू दी जेड टी एम जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 एच रेस टू दी पावर 4 इंटू दी ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इस प्रकार से अभी हम यहाँ पे पी एल और पी टी के वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें फाइनल एक कंडक्टर अटेन्यूएशन के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करना है दैट इज गिवेन अल्फा सी दैट इज इक्वल टू दी पी एल अपॉन 2 पी टी। अब हम इस इक्वेशन के अंदर पी एल और पी टी की वैल्यू को पुट करेंगे। सो हमने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पी एल एंड दिस इज द पी टी। जब हमने इस पी टी और पी एल की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास में एक एक्सप्रेशन आता है दैट अल्फा सी इज इक्वल टू दी ट्वाइस ऑफ आर एस पाई स्क्वायर अपॉन जेड टी एम ए बी इंटू दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू दी एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू दी ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू दी बी। अब क्योंकि हम ऑलरेडी हम जेड टी एम के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर चुके हैं जब हमने टी एम मोड के लिए बात की थी रेक्टेंगुलर वेव गाइड में। सो जेड टी एम इज इक्वल टू द बीटा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन और इट इज इक्वल टू द नीटा अंडर रूट ऑफ 1 - fc अपॉन हाफ स्क्वायर। अब क्योंकि हम जानते हैं कि एच स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा सी स्क्वायर इंटू म्यू एप्सिलॉन के इक्वल होती है या हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं दैट ओमेगा सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एच की वैल्यू मिलती है ओमेगा सी अपॉन सी के
ओमेगा सी की वैल्यू होती है 2 पाई एफ सी, सो इट विल बी इक्वल टू दी 2 पाई एफ सी अपॉन सी। इसको हम लैम्डा सी की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ सी बराबर होगा सी अपॉन लैम्डा सी, सो यहाँ पे फाइनल एच की वैल्यू आएगी 2 पाई अपॉन लैम्डा सी। सो हम जानते हैं कि एच स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू दी ओमेगा सी स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, एंड दैट इज फर्दर हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू दी 2 पाई अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर। लैम्डा सी इज द कट ऑफ वेवलेंथ, यहाँ पे सी जो है वो लैम्डा के सबस्क्रिप्ट में है। सो जब हमने यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे इस इक्वेशन में हमने जब जेड टी एम की वैल्यू को पुट किया है, सो अल्फा सी की वैल्यू आती है ट्वाइस ऑफ आर सी इंटू दी पाई स्क्वायर अपॉन नीटा इंटू दी वन माइ अंडर रूट ऑफ वन माइनस एफ सी अपॉन एफ स्क्वायर इंटू ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हमने लिखा है टू पाई अपॉन लैम्डा सी का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन इंटू दी ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू दी बी। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पे हम इसी टर्म को हमने यहाँ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की टर्म में रिप्रेजेंट किया है, इसको हम यहाँ पे कट ऑफ वेवलेंथ की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे लैम्डा सी के वैल्यू को यूज में लेते हैं, क्योंकि लैम्डा सी के लिए हम ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू दी 2 ए बी अपॉन अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू दी बी स्क्वायर। सो जब हम इस एक्सप्रेशन को इस इक्वेशन में यूज में लेंगे, तो हम यहाँ पे अल्फा सी को टी एम मोड के लिए फर्दर हम इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द 2 आर सी अपॉन बी नीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू दी बी अपॉन ए के पावर क्यू माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू दी बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सो यहाँ पे हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे जो लैम्डा सी स्क्वायर आ रहा है, जब हमने उस लैम्डा सी की जगह इस इक्वेशन को यूज में लिया, तो हमारे पास में एक फाइनल एक्सप्रेशन आता है अल्फा सी, और अल्फा सी है यहाँ पे अटेन्यूएशन ड्यू टू द कंडक्टर लॉसेस, और हम यहाँ पे टीएम मोड की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक फाइनल एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे मिलता है। थैंक यू सो मच।